बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल दरबारी किचन। दरबारी किचन में आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है गोला कबाब। तो आज फिर शुरू करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जी, मैंने चिकन का कीमा ले लिया आधा किलो, साथ में ये प्याज फ्राई की हुई है ये 102 अदद है, ये है चने का पाउडर, भुने हुए चने उनका मैंने पाउडर बना लिया है, ये सब्ज मिर्चें हैं इसके साथ थोड़ा सा ये सब्ज धनिया और ये एक नींबू, साथ में ये काली मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक हंसपे ज़रूरत आधी चाय की चम्मच, हल्दी, ये कचरी पाउडर, कचरी पाउडर ना आपके पास हो तो आप पपीता भी डाल सकते हैं, कच्चा पपीता, साथ में चाट मसाला, ये धनिया है सूखा हुआ पीसा हुआ मैंने सुखा के इसको पहले, फिर मैंने इसको पीस लिया। इसके साथ है मिर्चें कूटी हुई 2 चम्मच खाने के, गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, और इसका यकीन को धुआं देंगे इसका वो एक हमें कोयला चाहिए, और साथ में हमें 2 से 3 खाने के चम्मच ये घी चाहिए। तो आए फिर सबसे पहले कीमे को मिक्स कर लेते हैं। चिकन मैंने ले लिया, इसको ये चॉपर में डालेंगे। आप इसकी जगह चिकन की जगह आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, ये चॉपर में डाल देंगे। साथ इसके जो सारे जो मैंने आपको बताए मसाले वगैरह, ये प्याज ये शामिल कर देंगे, ये चने का पाउडर ये शामिल कर देंगे, ये सब्ज मिर्चें ये शामिल कर देंगे, ये काली मिर्च, नमक और ये हल्दी पाउडर ये शामिल कर देंगे, साथ में ये कचरी पाउडर, चाट मसाला ये शामिल करेंगे, ये गरम मसाला ये शामिल करेंगे, सुरख मिर्चें ये शामिल करेंगे, ये धनिया पाउडर ये शामिल कर देंगे। इसको चॉपर में पीस लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें मसाला हमारा सारा मिक्स हो गया, अब इसको निकाल लेंगे बाहर, उसी पैन के अंदर इसको दोबारा निकाल लेंगे मसाले को। ये देखिए सारा मैंने मसाला निकाल लिया, अब इसको वो कोयला रख के ना इसके अंदर धूनी देंगे। आग मैंने जला दी है और ये इसके ऊपर मैंने कोयला रख लिया है, इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, फिर वो कीमे के अंदर रख इसको धोने दे लेंगे। ये देखिए कोयला मैंने अंदर रख दिया, अब इसके थोड़ा सा ऊपर घी डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए अब इसको ढक्कन खोल देंगे और इसको निकाल देंगे बाहर, अब इसके कबाब बना लेंगे, गोला कबाब। एक इसके अंदर अब नींबू शामिल कर देंगे, ये देखें इसको मिक्स करके हाथों को, ये थोड़ा सा घी लेके हाथों पे लगा के, जब हाथ को घी लगा के इतना साइज बना लें आप, साइज जितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ये देखें इसको, ये कोई से भी घर में ले लें आप चीज़ इसकी शेप बनाने के लिए। ये देखें ये एक पीस बन गया हमारा, ऐसे सारे बना के हम रख लेंगे। ये सारे मैंने बना लिए हैं गोला कबाब, अब इनको फ्राई करते हैं। लेकिन पैन में थोड़ा सा घी डाल लेंगे, इसको शैलो फ्राई करेंगे, अब इसको सारे इसके अंदर रख देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। पहले एक साइड पका लेंगे फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज कर देंगे,
आपको स्लो कर देंगे। आप इसके अंदर ना ये आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच ये अदरक, ये अब इसको डाल के ना अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ये देखिए मसाला बन जाएगा बड़ा ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा इसके अंदर ना एक छटा लगाएंगे पानी का। पकाना है ताकि ये अंदर तक ये पक जाए। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स हमारा गोला कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए व्यूअर्स हमारी डिश रेडी हो गई है। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल दरबारी किचन को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली रेसिपीज जल्द से जल्द मिल सकें।